अब खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां आयुक्त गढ़वाल भ्रमण पर पहुंचे। बता दें कि मंडल विनय शंकर पांडे ने मंगलवार को जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, तिब्बत पुरोहितों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। आपको बताते चले कि विकासखंड सभागार उखीमठ की बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पवार ने केदारनाथ यात्रा मार्ग एवं टेंट कॉलोनियों में शौचालय बनाने, गुप्तकाशी में जिला स्तरीय उप चिकित्सालय बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखीमठ का उच्चीकरण करने का सुझाव दिया। वहीं तिब्बत पुरोहित अंकित सिमवाल ने यात्रा मार्गों पर आपराधिक गतिविधियों और भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित करने और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया गया। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आस्था का प्रतीक है और स्थानीय लोगों का रोजगार का साधन भी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री यहां से सुखद अनुभव अपने साथ लेकर जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, आज उखीमठ के ब्लॉक सभागार में मैं था और आईजी साहब, डीएम, एसएसपी, सभी ऑफिसर्स थे और बड़ी संख्या में उखीमठ क्षेत्र के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के लोग थे, केदारनाथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके भी प्रतिनिधि थे, होटल एसोसिएशन के लोग भी थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और यात्रा हमारी किस प्रकार से और बेहतर चले, मुख्य रूप से विषय यही था। क्योंकि यात्रा का सेकंड फेज़ हम लोगों का सितंबर से शुरू होगा। प्रथम चरण की यात्रा में लोगों के क्या अनुभव रहे, क्या उनको चीज़ें, प्रैक्टिसेस अच्छी लगी, किन चीज़ों को लेकर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके सुझाव क्या हैं, और बड़े खुले दिल से लोगों ने इसमें अपने सुझाव दिए हैं और उन सबको हम लोगों ने नोट किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान हम लोकल लेवल पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ का समाधान हमारे विभाग के स्तर पे, और कुछ का समाधान हो सकता है कि इसमें देहरादून जाने के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके सचिवों के साथ बातचीत करके उसका निकाला जाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। उखीमठ की जो जनता है उसने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। उन सब की आस्था बाबा केदार के साथ साथ अपने क्षेत्र के प्रति भी है और हम लोगों ने भी इन चीज़ों को बहुत काफ़ी गंभीरता से देखा है और बड़े इत्मीनान से लगभग 2.5 घंटे तक हमारी इनसे वार्ता चली है। उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो सुझाव हैं उन पर अमल किया जाए और आगे कार्रवाई की जाए।